पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में बीजेपी को शर्म आ रही है। शिवराज सिंह ने कितने पैसे ठगे हैं, हर चीज की जानकारी मेरे पास है। मेरे नाम से उनके पेट में दर्द होने लगता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जल्द ही आएगी और हम काबिल व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भोपाल के दौरे पर हैं। उस पर कमलनाथ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने में बीजेपी को शर्म आ रही है। कल मोदी आएंगे तो किसके पक्ष में बोलेंगे, पार्टी या शिवराज के पक्ष में? वे पार्टी के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन शिवराज सिंह पार्टी का चेहरा है या नहीं बोलेंगे? कमलनाथ सरकार के कर्ज लेने पर भी बोले। उन्होंने कहा कि सरकार ने कितने ठग लिए हैं और कितनी रिश्वत ली है, इस सब की मेरे पास पूरी जानकारी है। तो शर्म आ रही है कहने में कि शिवराज सिंह जी उनका मुख्यमंत्री का चेहरा है। घोषित नहीं करते, कर दे। अमित शाह भी और मोदी जी भी आएंगे, वो किसके पक्ष में बोलेंगे? अपने पार्टी के पक्ष में तो बोलेंगे, पर किस व्यक्ति है को मुख्यमंत्री बनाना है, वो अगर ना बोल पाए तो उनके लिए बड़ी दुख की बात है। इतना कर्ज लिया है वो ओपन है, आप एक हिसाब लगा लीजिए। आप लोग सब पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि इन्होंने कितने ठेके दिए हैं, बड़े बड़े ठेके दिए हैं पिछले एक साल में, जिसमें कितना प्रतिशत एडवांस दिया। एडवांस का मतलब आप समझ गए, कितनी रिश्वत ली एडवांस से। ये आप जानकारी लेके, मेरे पास तो है पर मैं चाहता हूं आप भी ले लें और आप मेरे से शेयर कर लें। साफ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कर्ज लेते हैं बड़े बड़े ठेके देने के लिए। अपने पाकिस्तानी प्रेमी के पोस्टर पर कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी असलियत में ध्यान हटाना चाहती है, मेरे राजनीतिक करियर में किसी ने उंगली नहीं उठाई, मेरे नाम से उनके पेट में दर्द होने लगता है। कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची पर कमलनाथ ने कहा कि सूची आती रहेगी, हम इशारा भी कर देंगे और प्रत्याशियों की सूची को मद्देनजर रखते हुए कल दिल्ली में बैठक है। योजनाएं बंद करने के आरोप पर कमलनाथ ने कहा, जहां भ्रष्टाचार का माध्यम होगा हम उन सभी रास्तों को बंद करेंगे। देखिए मेरे ऊपर कोई उंगली उठाए 40-45 साल में मेरे जीवन में तो उठाई नहीं। अब इनको पाकिस्तान नहीं मिलता, इनको खालिस्तान मिल जाएगा, खालिस्तान नहीं मिलता अफगानिस्तान मिल जाएगा। हाँ ये सब उठाते ही रहेंगे। ये असलियत में जो ध्यान मोड़ना चाहते हैं, अपनी बात करें, मेरे नाम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है? सूची ऊंची आती रहेगी पर हम इशारा कर देंगे जिनको करना, वो सबसे मुख्य सूची होती है। तो हमारी मीटिंग है कल दिल्ली में, मीटिंग करेंगे और बहुत सारी जानकारियां तो मिली जाती हैं, बहुत सारी जानकारियां। वो जमाना गया जब सोशल मीडिया नहीं था, जब ईमेल नहीं था, आज तो सब जानकारी आपको घर बैठे बैठे मिल जाती है। दावेदारी कर रहे नेताओं पर कमलनाथ ने कहा कि 4,000 लोगों ने दावेदारी की है, जो जीतने के काबिल होगा हम उसे प्रत्याशी बनाएंगे। कल इंदौर में हुए घटनाक्रम पर बोलते हुए कमलनाथ ने कहा कि कल मातंग समाज की बैठक थी, पूरे प्रदेश से लोग आए थे, तभी कुछ 15 पत्रकार सामने आकर खड़े हो गए। मैंने हाथ जोड़कर कहा साइड हो जाइए, दो लोगों ने कहा हम नहीं हटेंगे, तो मैंने कहा आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप नहीं हटेंगे तो मैं हटवाता हूं। मुझे बड़ा दुख हुआ, ऐसे भी पत्रकार होते हैं। मातंग समाज की बैठक थी, सबसे गरीब समाज है, पूरे प्रदेश से जिले जिले से लोग आए थे, ये पत्रकार 15 आके सामने खड़े हो गए, जैसे आप बैठे हैं, उनकी सीट भी वैसी थी। ये मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने कहा आप ये इनका कार्यक्रम है, इनका कार्यक्रम में अड़चन मत पैदा करिए आप, तो आप दिखता वैसे मैं खड़ा जाता हूँ, जब आपका पेट भर जाए मेरे से तो आप शिफ्ट हो जाइएगा, पर इनका प्रोग्राम आप खराब मत करिए। ये बेचारे गरीब लोग हर जिले से आए, करीब 15-16 लोग थे, इनमें दो कहते हैं हम तो हटेंगे नहीं। मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हैं, साफ बात है,
रिकॉर्ड की बात है। मैंने कहा मुझे धमकी दे रहे हैं, बोला हम नहीं हटेंगे। मैंने कहा ठीक है तो मैं आपको हटवाऊंगा, कौन सा गलत किया मैंने? अगर पत्रकारी अनुशासन में ना रहे, जिनका कार्यक्रम है उसको खराब करना चाहिए, तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूं। पूरे जिले से आए, पूरे प्रदेश से आए हैं लोग, तो मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात से कि ऐसे भी पत्रकार होते हैं जिनका ये अप्रोच होता है। उसके बाद 5-6 ने आके, जब मैं निकल रहा था, मुझसे माफी मांगी कि हम उनमें से नहीं, हम थे वहां। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही थी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।